आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जगदीश भाई जी, उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण भाई, संयोजक सम्माननीय श्री सतीश भाई, सहमंत्री सम्माननीय श्री आलोक जी और कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय जी, मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री श्रीधर जी और भाई श्री आनंद जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये सारे पंखे बंद कराना चाहता हूं, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पंखे सब बंद कर दो, थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठिए। सारे पंखे बंद कर दो। भारत देश के बारे में मुझे आपसे संवाद करने का जो मौका दिया है अग्रवाल समाज ने, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं पिछले 20 वर्षों से आती रहती हैं। और कल जब मैंने अग्रवाल समाज की तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विषय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारत देश की मेरी जो कल्पना है उसको दो हिस्सों में मैं बांटूंगा, भारत है कैसा वर्तमान में और बनाना कैसा है हमको भारत। इसलिए ये जो विषय है मेरे सपनों का भारत, बजाय इसके हमारे सपनों का भारत, हम सबके सपनों में कुछ न कुछ भारत है। हम कैसा भारत चाहते हैं, किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है, कल्पना है, किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कल्पना थी, तड़प थी, ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूंगा। भारत की आज की वर्तमान स्थिति से मैं शुरू करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है योजना आयोग, बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता वहां उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष कोई ऐसा विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता है, और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में, और बंगाल की जो सरकार चलती है वहां भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाहकार रहे हैं। सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है, वो लेक्चर्स देने जाते हैं, अर्थशास्त्र विषय उनका बड़ा पक्का विषय है। तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करिए, क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती हैं। जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या 37 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 33 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 30 करोड़ है, एक सरकार ने कहा कि गरीबों की संख्या 39 करोड़ है। अब सही क्या है पता ही नहीं चलता।
तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तव में गरीब हैं कितने। तो उन्होंने 4 साल लगाया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है। वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, देशभर के अखबारों में छप चुकी है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। 84 करोड़, 115 करोड़ की जनसंख्या में 84 करोड़ गरीब हैं। अब तक हम इस गलतफहमी के शिकार थे कि 37 करोड़ गरीब हैं, 39 करोड़ गरीब हैं, 33 करोड़ गरीब हैं, लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं ये भी उस रिपोर्ट में है। उनका कहना है कि 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, इतनी गरीबी है। और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं, 84 करोड़ के पास तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को। उन 84 करोड़ों में से 50 करोड़ इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं है खर्च करने को, 50 करोड़ भारतवासियों के पास। और उसी में से 25 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। और 15 करोड़ इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं है। और 10 करोड़ भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को। ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है, कठोर सच्चाई है। जब ये रिपोर्ट आई ना सबके होश उड़ गए, संसद में और संसद के बाहर, और प्रश्न चिन्ह ये लग गया भारत देश की विकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या। गरीबी 84 करोड़, आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षण किया था। अंग्रेजी सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947 15 अगस्त को। और उस सर्वेक्षण के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जानबूझ के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिए। तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे 4 करोड़ गरीब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संशोधित कराया, जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थिति बताओ। तो 1952 में जब पहली पंचवार्षिक योजना बनी इस देश में और लागू हुई, तब नेहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड़ है। मान लिया 16 करोड़ है। अब 16 करोड़ की जनसंख्या 84 करोड़ हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है। और 5 वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग हैं। ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवार्षिक योजना, और उसका मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना, मुख्य उद्देश्य था। और नेहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंचवार्षिक योजना लागू हो गई सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी, लेकिन वो योजना पूरी हो गई गरीबी नहीं मिटी, फिर दूसरी योजना आई वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी, तीसरी योजना आई फिर भी गरीबी नहीं मिटी। ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुकी है और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, आपके टैक्स का, मेरे टैक्स का, हर पंचवार्षिक योजना। आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, मैं जो सरकार को टैक्स देता हूं, उस टैक्स का 10 लाख करोड़ सालाना खर्च होता है, माफ करना 5 साल में खर्च होता है पंचवार्षिक योजना में।
तो एक योजना का 10 लाख करोड़, तो 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने 11 पंचवार्षिक योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए और 110 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता तो हर गरीब को 1.5 लाख रुपए मिल गया होता। एक सौ दस लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओं पर, लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती। माने 110 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, सामान्य बात नहीं है। 110 लाख करोड़ रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 110 लाख करोड़ लिखने में 16 अंक लगते हैं। कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद लें, 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें जो सबसे महंगा है, 17,000 रुपए का 10 ग्राम है इस समय, तो 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें तो भारत देश का पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल और पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का आधा हिस्सा, इतना बड़ा इलाका इस देश का, इस इलाके के एक एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते हैं। और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पतरा 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर कर दे तो भारत के 6,38,365 सभी गांवों की सड़कों पर बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़, मामूली रकम नहीं है जो खर्च हुई है। अब एक तरफ 110 लाख करोड़ का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी, ये अफसोस की बात है। या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को, लेकिन एक तरफ हमने 110 लाख करोड़ खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110 लाख करोड़ आपने दिया था, मैंने दिया था खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में, वो खर्च हो चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में 200 देश हैं इस समय, इन 200 देशों की एक सूची बनाई जाती है हर साल। संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम की जो संस्था है दुनिया की, ये सबसे गरीब देशों की एक सूची बनाती है हर साल। तो पिछले साल की सूची बनी और उसमें बताया उन्होंने कि 86 देश दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हैं, अत्यंत गरीब। अगर हिंदी में एक शब्द में इस्तेमाल करूं, महादरिद्र 86 देश हैं। और उन 86 देशों की सूची में भारत का नंबर 70वां है। इसका अर्थ समझ लीजिए, दुनिया में 69 देश हमसे ज्यादा अमीर हैं जो महादरिद्र हैं, वो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। हमारी स्थिति उन महादरिद्र देशों में भी सबसे नीचे है, 70वें नंबर। मतलब सीधा सा ये है, दुनिया में जो 86 देश महादरिद्र हैं उनमें से भारत से ज्यादा दरिद्र देश 16 ही हैं। और उन 16 में दो देश तो वही हैं जो भारत के अंग हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत का नंबर है उस सूची में 70, पाकिस्तान का नंबर है 71, बांग्लादेश का है 72। तो ये 70, 71, 72 तो एक ही कुनबा है, ये तो कोई अलग अलग है नहीं इलाका। तो मतलब ये है कि 72वें नंबर पे हम हैं उस सूची में। और बहुत कठोर टिप्पणी उस रिपोर्ट में की गई, जब मैंने वो पढ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे,
संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण दुनिया की औसत गरीबी बढ़ गई है, भारत के कारण औसत गरीबी बढ़ गई है पूरी दुनिया की, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही बसते हैं। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मान लें, तीनों को एक ही देश मान लें, तो सारी दुनिया की गरीबी के औसतन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, वो रिपोर्ट ये कहती है, क्योंकि हम आजादी के 63 साल के बाद भी इस गरीबी को मिटा नहीं पाए हैं। हमारे देश का ये हाल है गरीबी का। अब इस गरीबी का बिल्कुल सहयोगी एक है बीमारी, जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का क्या आलम है? तो हमारी ये जो रिपोर्ट आई, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि बेरोजगारी के सवाल को उल्टा समझने की जरूरत है। सीधे सीधे ये कहना कि भारत में इतने बेरोजगार हैं, इससे ज्यादा अच्छा ये पहले समझा जाए कि भारत में रोजगार कितने लोगों को है, और ऐसा रोजगार जिसको हम सम्मानजनक कहें। सम्मानजनक माने साल के 18वें वर्ष में, माने जब आदमी 18-19 साल का हो गया तब उसको कुछ रोजगार या नौकरी मिल जाए, और 60 साल तक वो अबाध गति से चलती रहे, कोई उसे छीने नहीं, वो रोजगार उसके हाथ से जाए नहीं 18 से लेकर 60 साल तक, ऐसे कितने लोग हैं? तो वो रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो पक्का रोजगार है, जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती, ऐसे सिर्फ 3.5 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में, सिर्फ 3.5 करोड़, 115 करोड़ में, जिनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, जिनको रोजगार बहुत सम्मानजनक मिला हुआ है, वो 3.5 करोड़ लोग कैसे हैं? तो उसका हिसाब है पूरा, 14 लाख लोग तो सेना में हैं, भारत की आर्मी में 14 लाख के आसपास, सेना में, वायुसेना में, जल सेना में, तीनों में मिला के 14 लाख है, और करीब करीब 15-15.5 लाख हैं रेलवे में, इंडियन रेल, भारतीय रेल, और करीब करीब 17 लाख हैं बैंकों में, भारत की जितनी भी बैंकें हैं, और करीब करीब 15-15.5 लाख हैं बीमा कंपनियों में, एजेंट से लेकर ऊपर तक, और करीब करीब 44 लाख के आसपास हैं केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ऐसे भारत के 244 पब्लिक सेक्टर हैं। फिर उसके बाद केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, फिर बाकी 90 मंत्रियों के ऑफिसेज हैं, तो ऑफिसेज में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी, तो कुल मिलाकर सरकार के तंत्र में जो काम करते हैं, और इसमें वो भी मैंने जोड़ दिए राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं, राज्यों के 33 राज्यों के राज्य स्तर के कर्मचारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य के मंत्री, ये सब जोड़कर कुल 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको पक्का रोजगार है, जिनको सम्मानजनक नौकरी है, और जरूरत पक्के रोजगार की भारत में 64 करोड़ लोगों को है। जरूरत मतलब 64 करोड़ लोगों को सम्मानजनक काम चाहिए, उसमें से 3.5 करोड़ को मिला हुआ है, इसका माने 60.5 करोड़ लोगों को दर दर भटकना है रोजगार के लिए। इन 60.5 करोड़ लोगों में कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं, लेकिन खेती में सम्मानजनक खेती करने वाले मुश्किल से 10-15 करोड़ ही हैं, जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, सम्मानजनक खेती वो कर पाते हैं, बाकी की जमीन ही 2 एकड़ से कम है भारत में किसानों की, तो उनको सम्मानजनक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी खेती तो घाटे में रहती है, 2 एकड़ से कम जमीन, ऐसे भारत में 85% किसान। अब ये जो 85% किसान हैं जिनकी 2 एकड़ से कम जमीन है, यही लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कभी
सड़क पर रिक्शा चलाते हैं, कभी कहीं किसी का ईंट गारा बनाते हैं, कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है सब्जी बेच लेता है, कभी कोई फुटपाथ पर कोई सामान रख के उसे बेच लेता है, इस तरह के रोजगार में वो लगे हुए हैं। हमारे देश में जिसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है, असंगठित रोजगार का क्षेत्र, उसमें ये 60 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिनकी 12 महीने की कोई भी रोजगारी पक्की नहीं। किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को 4 महीने मिलता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसा उनका चलता है। और इनके ऊपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं। वो बेचारे कहीं सड़क पर बैठे हैं खोमचा लगा के, पुलिस वाला आएगा मारेगा डंडा और नगर पालिका वाला आएगा ले जाएगा पैसे उनसे। रोज भुगतते हैं वो इस बात को। तो 60.5 करोड़ लोग इस देश में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास। खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिंदा रहना संभव नहीं है लोगों का। इतने घाटे में आ गई है खेती, क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट है, किसानों के काम आने वाला जो एंडोसल्फान मेलाथियान आदि आदि कीटनाशक दवाएं हैं, ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा अब उनको डालना। पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था, अब 300 रुपए का हो गया और 2-3 दिन के बाद वो 350 का होने जा रहा है। डीएपी पहले 3 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो हो गया, 2-3 दिन के बाद ये 28 रुपए किलो होने जा रहा है डीएपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट 8 से 10 गुना महंगा हो गया। किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी 3 रुपए 20 पैसे 3 रुपए 50 पैसे लीटर था, अब वो 38 रुपए लीटर हो गया। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीजें सस्ते से सस्ती बिक रही हैं, गेहूं चावल चना दाल मटर। तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन 1 मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। हर दिन 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और एक साल में कितने मिनट होते हैं। हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं। कहां भागते हैं? शहर में भागते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए? वो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं और अंत में जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में। मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है, वहां की झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं, जहां हम 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते धारावी में। इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां। और लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं। मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए, उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद मद्रास बेंगलोर दिल्ली कोलकाता, ये जो शहर माने जाते हैं मेट्रोज, इनकी आबादी का 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। 65% हर शहर का, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल है। 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में जितने वर्ग फिट में 5-5 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते। दस फीट चौड़ी 10 फीट लंबी 100 वर्ग फीट की झुग्गी झोंपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है,
और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना, तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फीट जगह होती है जेल में, और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फीट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है। और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं, सास ससुर भी रहते हैं, उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं, नाती पोते भी रहते हैं। कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा। ऐसा बुरा हाल है देश का। और दो तीन बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आ गई, आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए, स्वच्छ हवा, वो उपलब्ध नहीं है अब इस देश में। स्वच्छ हवा के बाद चाहिए स्वच्छ पानी, वो उपलब्ध नहीं है इस देश को। रिपोर्ट में कहा, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में, 6,38,365 गांवों में से 5,00,000 गांवों में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, 5,00,000 गांव। और उन 5,00,000 गांवों का ये हाल है कि 10 से 15 लीटर पीने का पानी, एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांवों में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है, 2-2.5 मील पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से एक बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है, इसी में उनका जीवन खत्म होता है, बाल्टी भर भर के लाने में। 5,00,000 गांवों का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि 5,00,000 गांवों के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जहां जरूरत है घर के सामने नहीं मिलता है, स्वच्छ हवा नहीं, पीने का पानी नहीं। और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांवों में रहने वाली जो माताएं हैं, बहने हैं, उनमें से 2/3 माने 75% माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है, उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, खुले में बैठना पड़ता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गांव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने, और अक्सर शाम का समय होता है तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर, तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और एक मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हम आजादी के 63 साल से कर क्या रहे हैं? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 2/3 माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में। इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये 2/3 माताएं जब स्नान करती हैं तो चारपाइयां लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से, इधर एक चारपाई लगाई, इधर एक लगाई, इधर एक लगाई, और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए, और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती। माने बाथरूम नहीं है, जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहां से होंगे। और ये सारी कहानी आजादी के 63 साल वाले भारत की है। अगर आजादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहां